विमुक्त और ओबीसी छात्रों के लिए रियायत, शिक्षण शुल्क प्रतिवेतन के लिए आय की शर्त समाप्त। ओबीसी समाज ने फैसले का किया स्वागत। महाराष्ट्र राज्य की महागठबंधन सरकार ने चयनित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकित ओबीसी, एसबीसी, अनुसूचित जाति और विमुक्त जनजाति वर्ग के छात्रों के लिए ट्यूशन शुल्क और परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के लिए आय की शर्त को खत्म कर दिया है। इससे अब जिन विद्यार्थियों के माता पिता की आय 8 लाख से अधिक है, उन्हें भी शिक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का लाभ मिलेगा। माता पिता की वार्षिक आय की शर्त समाप्त कर दी गई है। अब केवल नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र जमा करना होगा। महायुति सरकार के इस निर्णय का ओबीसी समुदाय ने स्वागत किया है।